विकास का अवलोकन किया जा रहा है। इस वक्त की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जगन चौराहे के पास सहेली बाजार पहुंची हैं और यहां पर शहर के विकास कार्यों का अवलोकन कर रही हैं और एक तरीके से वहां पर ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से शहर में विकास के कार्य हुए हैं, क्या कुछ परेशानियां लोग झेल रहे हैं, क्या कुछ कमियां लोग झेल रहे हैं। लोगों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नजर आई। खबर पर अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहां पर मार्केट में जिस तरीके से पहुंची है, खासतौर पर लोगों से बातचीत करती हुई भी नजर आई है, क्या अपडेट, क्या जानकारी? ये सारा बिल्कुल बताना चाहूंगा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जैसे ही गुजरात से धौलपुर पहुंची तो हेलीपैड पर भी भारी जनता पर पहुंचे थे। आमजन के साथ मुलाकात मुख्यमंत्री ने की है। आमजन की जो समस्याएं वो लोगों की बड़ी गंभीरता से सुनी है और अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दिए हैं कई जो समस्याएं हैं उनके निदान करने के लिए। साथ ही ये भी मुख्यमंत्री कहती नजर आई कि जो लोगों से वादा किया है वो वादा जल्दी से जल्दी पूरा करना है। तो कहीं ना कहीं धौलपुर जिले के विकास की जो बात है वो मुख्यमंत्री कर रही है। धौलपुर जिले में 10 दिनों जो योजनाएं दी है उनकी क्रियान्वित की भी बार बार फीडबैक दे रही है। साथ ही आज जो मुख्य बाजार है धौलपुर का रियासत चाहते सराय गजरा बाजार जो है उसमें मुख्यमंत्री अवलोकन करने के लिए निकली हैं। कह सकते हैं कि सड़क पर जो विकास है उसको देखने के लिए निकली हैं कि जो बेसिक जरूरतें हैं होती हैं उन जिलेवासियों को मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है। बिजली पानी की समस्या लोगों को बेसिक समस्या से जुड़ी है, उन समस्याओं का निदान है या नहीं आमजन से इसकी के लिए चर्चा कर रही है। मनोज, जिस तरीके से अचानक से मुख्यमंत्री ने यह अवलोकन किया है, यहाँ लोगों से बातचीत की है, जाहिर तौर पर तमाम लोगों की शिकायतें समस्याएं भी मुख्यमंत्री के सामने आई होंगी। जी सर, बिल्कुल बताना चाहूंगा। जहां तक लोगों की समस्याएं हैं वो सड़क पानी और बिजली से जुड़ी होती है। साथ ही धौलपुर में जो एक जो कमी देखने को मिल रही है वो है यहाँ के जो बाजार है उनकी जो सड़कों की चौड़ाई है वो बहुत कम है। कह सकते हैं कि सड़कों की जो चौड़ाई कम है जिसके चलते हमेशा जो जाम के हालात बने रहते हैं, तो उसका अवलोकन सीएम द्वारा किया जा रहा है। हो सकता है आने वाले समय में जो धौलपुर जिले का जो विकास होगा, सड़कों का जो विकास होगा, क्योंकि 10 दिनों हुई सभा में सीएम ने ये भी कहा था कि प्रदेश में कोई भी सड़क टूटी नहीं रहेगी, तो उसके विकास के लिए धौलपुर जिले के जो बाजार के विकास के लिए सीएम राजे सड़कों पर निकली है। जी साहब, बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भरतपुर के दौरे पर और उसके दौरान किस तरीके से लोगों से बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना, ये तस्वीरें आपके सामने। हम जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं और सीएम राजे धौलपुर शहर के दौरे पर निकली हैं, शहर के विकास का सीएम अवलोकन कर रही हैं। इससे पहले तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जगन चौराहे के पास सहेली बाजार मुख्यमंत्री राजे पहुंची और अब ये तस्वीरें आप देखिए, मुख्यमंत्री राजे यहां पर लोगों से बातचीत करती हुई उनसे जानकारी लेती हुई नजर आ रही है। इस बात को जानने की कोशिश की जा रही है कि शहर में विकास के किस तरह के कार्य हुए हैं और अचानक से इस तरह के दौरे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अक्सर करती रही हैं और इन दौरों के दौरान लोगों की वो समस्याएं निकलकर सामने आती हैं जो शायद अधिकारियों तक शिकायतें पहुंचती होंगी लेकिन उनका समाधान नहीं होता होगा। अब मुख्यमंत्री खुद इस बात को देख रही हैं, समझ रही हैं। खुद मुख्यमंत्री राजे धौलपुर शहर के दौरे पर निकली, गुजरात से वो सीधे यहां पर दौरे के दौरान रुकी हैं और इसके साथ ही बता दें कि शहर के विकास कार्यों का अवलोकन किया जा रहा है, यानी बारीकी से इस बात को जांचा जा रहा है कि लोगों के सामने किस तरह की समस्याएं हैं और उनका क्या समाधान हो सकता है। लोगों के जो समस्याएं हैं उसमें बिजली पानी के अलावा सड़कों की समस्या भी सुनने को मिल रही है। चले इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज, जैसा कि आपने बताया कि तमाम समस्याएं चाहे बिजली पानी की हो या फिर सड़कों की हो वो मुख्यमंत्री राजे के सामने यहां पर जरूर सामने आ रही है। फिलहाल जो तस्वीरें देख पा रहे हैं उसके मुताबिक क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ बातचीत यहां पर हो रही है? ये बिल्कुल बताना चाहूंगा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे धौलपुर शहर के बाजार में निकली है और पुराना जो बाजार है मुख्य बाजार जिसे कहा जाता है वहां का उन्होंने दौरा किया है। पहले सहेली बाजार का उन्होंने दौरा किया था और अब इस समय एक मोची की दुकान पर सीएम राजे पहुंची हैं जहां पर की हाथों से जो जूते और मोजरी बनाई जाती है उन दुकानों का वो अवलोकन कर रही है और वो जो वहां पर कार्य करने वाले लोग हैं उनसे जान रही है कि जो वो कार्य कर रहे हैं रोजी रोटी कमाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसमें से इतनी आमदनी हो पाती है कि नहीं हो पाती है, जिससे कि उनके घर का जो खर्चा है वो चलता है या नहीं चलता। कह सकते हैं कि आमजन से जुड़ी हुई जो बातें हैं उनको कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री उनके मुंह पर टटोलने की आमजन से कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल मनोज, आपने बताया कि जैसे पहले मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची सहेली बाजार, अब मुख्यमंत्री दूसरी जगह पर पहुंची हैं, क्या लगता है इसके बाद किसी और जगह का भी इसी तरीके से औचक दौरा हो सकता है जहां पर मुख्यमंत्री के सामने शायद वो समस्याएं आ पाए जो अभी तक अधिकारियों के थ्रू नहीं पहुंची थी? जी
जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, हर संभव प्रयास मुख्यमंत्री का यही रहता है कि जो समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, जिन समस्याओं का निदान यथासंभव जल्दी से जल्दी किया जा सके, उनको लोगों तक पहुंचकर जो समस्याएं जा रही हैं। अब तक तो ये होता था कि अधिकारियों के माध्यम से जो सूचना है वो पहुंचती थी, यहाँ समस्या है, समस्या का यहाँ से समाधान होना है, लेकिन मुख्यमंत्री स्वयं सड़क पर निकले हैं आम जन की समस्या को जानने के लिए, उनकी नब्जी को टटोलने के लिए। जी बिल्कुल मनोज, इससे पहले मुख्यमंत्री राजे ने जिस तरीके से जनसंवाद कार्यक्रम किए थे तमाम जिलों में, उसके अलावा उससे पहले सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री अलग अलग जिलों में पहुंची थी, लेकिन बीच रास्ते में रुककर लोगों से इस तरह से मुलाकात करना अपने आप में यह कहा जा सकता है कि सीधे मुख्यमंत्री उन समस्याओं से रूबरू हो रही होंगी जिनसे लोग रोजाना दो चार होते हैं। जी मनोज, इस तरह बिल्कुल बताना चाहूंगा, जो मुख्यमंत्री की जो सोच है वो इससे साफ हो रहा है कि वो आम जन की समस्या को जानने के लिए खुद शहर में निकली हैं, खुद बाजार में निकली हैं, तो कोशिश यही रहती है कि जो आम जन की समस्याओं से रोज दो चार हो रहे हैं, जिन समस्याओं का रोज सामना करना पड़ रहा है, उनका कहीं ना कहीं ऐसा संभव है वो निदान किया जा सके, जो सूचनाएं अधिकारियों के माध्यम से नहीं पहुंच पाई हैं उन समस्याओं को जानने के लिए आम जन के बीच में पहुंची है। जी बिल्कुल मनोज, और इसके साथ ही हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री राजे यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रही हैं, और जिस क्षेत्र में मुख्यमंत्री राजे हैं आप उस जगह को बेहतर तरीके से जानते होंगे, वहाँ के लोगों की किस तरह की समस्याएं हैं और किस तरह की परेशानियां हैं जिनको आज मुख्यमंत्री के सामने रखा जा सकता है। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, धौलपुर जिले की जो मुख्य समस्या है, यहाँ के जो बाजार है, मुख्य बाजार हो या अन्य बाजार हो, बाजार की सड़कों की जो चौड़ाई है वो कम है, एक समस्या तो ये है जिससे कि ये जो जाम के हालात है वो हमेशा मुख्य बाजार में देखने को मिलते हैं, तो हो सकता है कि सोच जो जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि आने वाले दिनों में प्रदेश की कोई भी सड़क टूटी फूटी नहीं होगी, तो वो जो धौलपुर शहर के विकास की योजना मुख्यमंत्री बना सकती है जिससे की जो सड़कें हैं वो चौड़ी हो सके, और बाजार में और क्या क्या बेहतर जा सकता है उसकी सोच को लेकर मुख्यमंत्री राजे सड़क पर निकली है। बिल्कुल मनोज, इससे पहले जैसा कि अक्सर बाजारों में देखा जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री राजे बाजार में इस वक्त हैं और यहाँ पर अतिक्रमण की समस्या सबसे बड़ी समस्या देखी जाती है, जिसकी वजह से आपने बताया कि सड़कों पर रास्ता नहीं रहता है या फिर पार्किंग की समस्या रहती है, क्या इस तरह की भी परेशानी यहाँ पर आई? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, इस तरह की समस्या देखने को मिल रही है कि अतिक्रमण भी कुछ देखने को सड़कों पर मिले हैं, इसके अलावा नाली पानी की जो समस्या है वो भी सुनने में आई है, जिसको लेकर अधिकारियों को नियंत्रण निर्देश भी दिए। बिल्कुल मनोज, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री राजे यहाँ से शायद रवाना हो रही हैं, कौन कौन अधिकारी हैं, किस तरह के बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद होंगे, उनमें किस तरह का उत्साह ये जरूर जानेंगे। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री के साथ जिला प्रशासन के उच्च अधिकारी हैं वो साथ हैं, और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जो काफिला है वो इस समय मुख्य बाजार में होकर आगे की ओर बढ़ रहा है, और जो सीएम की जो सोच है आम जन से हाथ मिलाकर अभिवादन भी यहाँ स्वीकार मुख्यमंत्री कर रही है। जी चलिए बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मनोज। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री राजे अचानक से धौलपुर के बाजार में दौरा कर रही थी, और इस दौरान जगन चौराहे के पास सहेली बाजार मुख्यमंत्री राजे पहुंची, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री राजे ने तमाम लोगों से मुलाकात करके, उनसे बातचीत करके यहां की समस्याएं भी जानी।